श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा। यह मेरे भारत की छोटी सी एक झांकी है। अभी तो जमी में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। मिशन आर्थिक आजादी के जनक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी का जन्म सन 1957 में राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से गांव नानसी में हुआ। पिता मोहनलाल जी गांव में एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाते थे। माता धापू देवी गृहिणी थी। छह भाई बहनों में से श्री टी सी छाबड़ा जी तीसरे नंबर के पुत्र हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव में और उच्च शिक्षा जयपुर में पूरी की। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी सफल व्यवसायी के साथ साथ एक संगीतकार, गीतकार, लेखक और एक अच्छे वक्ता भी हैं। मेरी शादी बचपन में जल्दी हो गई थी और 77 में हुई, और बहुत ही सरल और स्वभाव के और अच्छे स्वभाव के मुझे मेरे हस्बैंड मिले। हम एक भिलवाड़ा आए और फिर 2000 में ये जो सिस्टम है आरसीएम चालू किया। आई वॉज 18 ईयर्स जब आरसीएम की शुरुआत हुई और हमारे सामने ये सब चीज़ें हो रही थी। जब हम एजुकेशन में थे और हमारे पापा ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, और वो शुरू से बहुत ही सिंपल पर्सन रहे, तो उनका जो स्टाइल ऑफ बिज़नेस था वो भी बहुत सिंपल था। बट एट द सेम टाइम वो ये जो उनका एक प्रिंसिपल है कि थिंग शुड बी इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर। त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को मैं लगभग पिछले 27 सालों से जानता हूँ और उनके सानिध्य में मैंने काम भी किया है। छाबड़ा जी की जो सबसे पहली क्वालिटी है कि या तो लोगों पे जिन लोगों पे भी जो विश्वास करते हैं उन लोगों पर पूरा बिलीव करते हैं, और दूसरे उनकी जो क्वालिटी है कि वो किसी काम को करने की जब ठान लेते हैं तो उस काम को किसी भी हालात में उसको पूरा करते हैं। जब ये चालू किया था अरसेम, उससे कुछ समय पहले कुछ सिस्टम यहाँ हिंदुस्तान में चलते थे जो जानकारी में आए, तो एक दिमाग में पता नहीं एकदम विचार से आया कि ये तो बड़ा सुंदर सिस्टम है, अगर हम इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट जो हमारे रोज़ उपयोग होते हैं वैसे प्रोडक्ट लाकर अगर करें तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। और उसके बाद एक ऐसा विचार जो अंदर पैदा हुआ तो उस विचार ने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। टीसी छाबड़ा जी को मैं पिछले 25 सालों से जानता हूँ और उनके सानिध्य में मैंने काम भी किया हुआ है। टीसी छाबड़ा जी की सबसे बड़ी क्वालिटी है उनके लिए काम काम होता है, काम छोटा और बड़ा नहीं होता, वो हर काम को उतने ही सीरियसनेस से करते हैं चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुझे याद है जब आरसीएम की सबसे पहली मीटिंग हुई थी, एकदम फर्स्ट मीटिंग, मैं उस मीटिंग में प्रेजेंट थी और वो एक पेड़ के नीचे बाहर मीटिंग हुई थी जहाँ पे मुश्किल से शायद 20 लोग बैठे होंगे। क्या मालूम इनसे पहली बार मिलते ही मुझे लगा कि कुछ विशेष व्यक्ति है, जो बोल दिया एक बार फिर वो याद है, वो एक कंप्यूटराइज काम हो गया। मेरी एक नेचर है कि मुझे अगर कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, मैं कन्विंस हूँ कि हाँ ये जिंदगी में सही है या ये काम सही है, तो मैं फिर किसी के रोके रुकता नहीं हूँ। तो आरसीएम की भी यही कहानी है, शुरू शुरू में सबने मना किया, परिवार वालों ने भी मना किया, दोस्तों ने भी मना किया, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन मैं कन्विंस था, मुझे समझ में आ गया था कि ये सिस्टम है, इसको देश को इसकी ज़रूरत है, आम आदमी की ज़रूरत है। वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं लाइफ में कि चाहे दुनिया कहीं पर भी कुछ भी कर रही हो, चाहे पूरी दुनिया भी अगर वो चीज़ कर रही हो और अगर वो गलत है तो हमको उसका साथ नहीं देना चाहिए, हमको हमेशा सही चीज़ ही करनी चाहिए। जो उन्होंने अपने जबान से कहा उसको उन्होंने पूरा किया, जबान के सच्चे ये उनमें मानता है। MLM के नाम पर ज़्यादातर कंपनियां कुछ महंगे प्रोडक्ट लाती है उसमें और ज़्यादा कुछ उसमें से बांटने की कोशिश करती है, और हम RCM में ऐसे क्यों प्रोडक्ट लाते हैं जो बहुत कम रेट में होते हैं। बहुत ज़्यादा इधर कुछ चीज़ों को हाईफाई करना या कुछ बहुत ज़्यादा हर कहीं खर्च कर देना, तो मेरे को कुछ महंगी चीज़ खरीदना पसंद नहीं है लाइफ में, तो मेरे को जो पसंद नहीं है मैं बेच कैसे सकता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का मिशन मंगल इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर बजट में उनको बनाने की सोचा तो उन्होंने वो चीज़ बना कर दी। ये कोई भी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और इन्होंने जो सोच लिया कि मुझे ये काम करना है वो करके रहते हैं, और इन्होंने जो भी सोचा ईमानदारी से कर रहे हैं पूरा। बहुत सारी चुनौतियाँ आई इस काम को करते हुए, बहुत सारे लोगों ने साथ निभाने का वादा किया, साथ चले, काम को आगे बढ़ाया, फिर उनके मन में पता नहीं क्या लालच आया तो उन्होंने पूरा बाहर जाकर एक नई कंपनी शुरुआत की और पूरा आरसीएम पर अटैक करना चाहिए और आरसीएम के सारे लोगों को, सारे सिस्टम को तोड़ने की एक बार नहीं
कई बार 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 ऐसे प्रयास हुए, जब जब ऐसी घटना हुई है तब तब आरसीएम में बड़े निर्णय हुए हैं। जो सामान्य गति से चल रहा था उसमें एक मजबूती आई, एक बड़े निर्णय लेने की ताकत आई कि अब तो इसको करके ही रहना है। वो बहुत कम बोलते हैं और बोलते हैं वो एकदम सत्य और सीमित मात्रा में। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिली कि लोगों को कभी भी आप ओवर कमिटमेंट मत करो। 2011 में जो हमारे साथ में ये गवर्नमेंट का हुआ उसमें बहुत अलग हमारे पर इफेक्ट हुआ उस चीज़ का कि ये भी होता है क्या लाइफ में ऐसा। और वो ये जो एक फेज था वो बिल्कुल बहुत कठिनाई का दौर था, बहुत ख़राब स्थिति से हमें गुजरना पड़ा, मेरे परिवार पर संकट आए और परिवार से ज़्यादा जो हमारे जो टीम है, हमारे जो इतना बड़ा हिंदुस्तान में परिवार बन चुका था उसको सबको दिक्कतें आई। लेकिन एक मन में विश्वास था कि आखिर जो सत्य वो तो सामने आएगा। ऐसा ट्रैजिक पीरियड आया था कि पूरी दुनिया ने ही बोल सकते साथ छोड़ दिया। इनफैक्ट जो एकदम अपने बोलने के लिए होते हैं उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन पापा की वो जो हिम्मत थी और जब जब भी हमने उसके बाद या उस दौरान जब भी हमको मौका मिला उनसे बात करने का, उन्होंने एक ही चीज़ बस हमको बोली थी कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। हमारे जो आरसीएम परिवार है उनका इतना विश्वास था कि उन्होंने एक साल इंतज़ार किया और पूरा डटे रहे, और जब उनका इतना विश्वास था तो उस विश्वास में इतनी ताकत आ गई और ये सब चीज़ें जो भी संकट का समय था वो निकला और अब सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही है। ऐसे साथी मुझे इस सिस्टम की वजह से मिले, आज इतनी बड़ी सेना कह सकते हैं, इतना बड़ा परिवार कह सकते हैं देश के कोने कोने में, और उसमें इतने जो संस्कार बने हैं ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। इतना बड़ा व्यापार उद्योग धंधा होने के बावजूद, इतनी बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी उनमें तनिक भर भी अहंकार या पैसा होने का घमंड दिखलाई नहीं देता है, ये उनकी सादगी और उनकी महानता को दर्शाता है। मुझे मेरे फादर इन लॉ की एक क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है कि वो आज इतना बड़ा बिजनेस करने के बावजूद भी वो इतने डाउन टू अर्थ है कि किसी को भी विश्वास नहीं होता जब मैं उन्हें उनकी बातें उनके किस्से सुनाती हूँ। एक छोटी सी बात ले लीजिए, अगर हम जब भी खाना खाते हैं हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, पर वो आज भी प्रेफर करते हैं कि हम ज़मीन पे उन्के साथ बैठ के उनके साथ भोजन करें। त्रिलोक चंद जी छाबड़ा एक व्यक्ति नहीं आंदोलन है, उनके जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष तो किया ही है लेकिन सबसे बड़ी बात उनमें है सादगी और सच्चाई। आरसीएम की शुरुआत से ही मैं काम कर रहा हूँ और जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो टीसी छाबड़ा जी की एक सोच थी कि दुनिया में जो कंपनियाँ आती हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में वो बड़ी बड़ी और महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आती है, और टीसी छाबड़ा जी की सोच थी कि मैं एक ऐसी कंपनी की स्थापना करूं जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जो इंडियन रेट में हो, इंडियन कल्चर में हो, इंडियन मेंटालिटी को सूट करते हो और आम आदमी उस बिजनेस को कर सके, आम आदमी अपने जीवन को बदल सके। 2016 में इसकी गाइडलाइन जारी की गई भारत सरकार द्वारा, उसके बाद से इसमें काफ़ी स्पष्टता आ चुकी है। उसके बाद हमने पूरे सिस्टम सेट किए, हमने पूरे टेक्नीशियंस सेट किए, हमने लेबोरेटरी सेट की और इतना बड़ा सेटअप हो चुका है कि आज हमारे आरसीएम की प्रोडक्ट रेंज में करीब 400 प्रोडक्ट शामिल हो चुके हैं और आगे ये श्रृंखला चालू है। आरसीएम क्यों अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करता है या अपना सेटअप क्यों लगाता है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि आरसीएम ने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चार कमिटमेंट कर रखे हैं कि ये चारों चीज़ें हमेशा रहेगी। पहली चीज़ प्रोडक्ट उपयोगी होंगे, दूसरा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे, क्वालिटी नंबर वन होगी और रेट बहुत रीजनेबल होगी। आरसीएम हमेशा उसके लिए कमिटेड है और इसीलिए इतनी सारी इकाइयाँ स्थापित की गई है और नए प्रोजेक्ट प्लानिंग में है। फर्स्ट ईयर था उसमें 21 करोड़ का टोटल टर्नओवर हुआ था और हाईएस्ट टर्नओवर जो है आरसीएम का वो 1750 करोड़ तक एक साल का हो चुका है। अच्छी बात ये कि हर साल 30% ग्रोथ हो रही है, पिछले 5-6 सालों से मेंटेन ग्रोथ है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी कमी किसी भी तरह की हमारी तरफ से नहीं रहेगी कि इस काम को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना है।
और जब लाखों लोगों के जीवन में अगर हमारे इस छोटे से प्रयास की वजह से अगर थोड़ा भी हम कुछ योगदान कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा गोल जो है वो ये है कि आज अपन इस RCM को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा नाम हो। तो आइए सदी के इस महापुरुष, आर्थिक आजादी के जनक, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा को हम सब खड़े होकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ओजस्वी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं।